बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो MMC है, ये MI5A का MMC है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो डेड है। तो यहाँ पे हम 100 ES के, यानी इसका MMC है, इसको 188 MB का मैडम इसको रीड कर रहा था, MMC के अंदर प्रॉब्लम दे रहा था। तो यहाँ पे मैं इसको रीड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दिया कि सिक्योरिटी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है स्कैनर्स के अंदर। सिक्योरिटी लेने के बाद अगर आपका MMC ख़राब हो गया, समय की कुछ डिवाइस के अंदर काम करने के लिए, तो वो सिक्योरिटी हम दूसरे फोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो देख पा रहे यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो बोल रहा है क्लॉक का जो स्पीड है, क्लॉक की जो स्पीड बढ़ाने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्लॉक का जो स्पीड है 24 कर दिया और इसको हम अभी यहाँ पे सिक्योरिटी को बैकअप कर रहा हूँ और सिक्योरिटी बैकअप हो रहा है। वीडियो को थोड़ा स्पीड किया हूँ कि अगर सोलो करता तो बहुत टाइम लग जाता। तो यहाँ पे मैं डम ले रहा हूँ, तो मेरे कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं 188 MB का जो डम नहीं ले पाया। तो ये जो फ़ोन है Redmi 5A, छोटा वाला फ़ोन जो है 4X 3X, ये सब फ़ोन के अंदर आपको डम लेने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट डम से ही ये काम चल जाएगा। बहुत सारा फ़ोन है बिना डम से ही काम चल जाएगा आपका। लेकिन मैं यहाँ पे दिखाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं डम में रीड कर लिया था। पहले तो 188 MB का डम में रीड कर रहा था, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि इसके हाइनिक्स की जो MMC है उसमें ज़्यादा देर के कुछ टाइम क्या होता है कि फेल मार देता है। फेल मारने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है और इसके हाइनिक्स की MMC जो है जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके वजह से मैं इसको छोटा सा डम लिया था दिखाने के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ प्रूफ भी करके दिखा दूंगा जो फ़ोन मैं चालू किया हूँ। तो मैं सारा वीडियो के अंदर मैं बता दिया कि सबसे पहले इसका जो डम है, डम छोड़ के सिक्योरिटी को लेना बहुत ज़रूरत है। कोई भी इसके हाइनिस का MMC या फिर अदर्स वाइज कंपनी का अगर MMC हेल्थ ख़राब है तो सिक्योरिटी की लेने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो यहाँ पे मैं छोटा सा डम ले रहा हूँ। तो मैं इसका पार्टीशन मैं एक बार ऑलरेडी कर दिया था, तो बीच में ये जो फ़ोन है पार्टीशन के अंदर फेल मार दिया था। तो दोबारा मैंने उसको पार्टीशन किया तो यहाँ पे शो करेगा ऑलरेडी पार्टीशन। तो यहाँ पे मैं पार्टीशन करूँगा। अभी देख पा रहे यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइस ऑलरेडी पार्टीशन, यानी कि मैं ऑलरेडी इसका पार्टीशन कर दिया था क्योंकि उस टाइम वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मैं देख पा रही MMC का जो हेल्थ है, मैं एट फर्स्ट में जो इसका बैड हेल्थ है वो भी दिखाया और हेल्थ भी सही करके दिखाया और फ़ोन भी मैं आप लोगों के साथ दिखा दूँगा। मैं इसको कम्प्लीटली ऑन किया हूँ और सीधा डम चढ़ाने के बाद मैंने सिक्योरिटी डाल के इसके अंदर ही फाइल करके और चालू किया था फ़ोन। तो चलिए फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस टाइप की नॉलेज जो है मैं आप लोगों को, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा हेल्प देने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो सिक्योरिटी है, मैं सिक्योरिटी को राइट कर लेता हूँ। मैं इसका जो डम है, डम मैंने डाल दिया 32 MB का डम। तो इसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगा, मॉडेम 1, मॉडेम 2 और आपका FS। तो ये तीनों
फाइल जो है ये इसका सिक्योरिटी हो चुका है। तो सिक्योरिटी डालने के बाद मैं फ्लैश कर दिया। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो मेरे वीडियो को अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारा भाई है जो यूएमसी का काम करते हैं, यूपीआई की यूज़ करते हैं, तो मैं आगे हेल्प कर पाऊँगा। तो आइए देखते हैं कि फोन को मैं वहाँ